and financial break-even point. The point where there is no profit, no loss is named as break-even point situation. Now there can be two break-even points. Operating break-even point and financial break-even point. Operating break-even point and financial break-even point. आराम से बैठे लिख लें फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा. आज का आखिरी कंसेप्ट है, पहला और आखिरी. मैंने इससे पहले भी कोई कंसेप्ट नहीं बताया, इसके बाद भी नहीं बताऊंगा. इससे पहले डाउट्स की, इसके बाद एक क्वेश्चन करूंगा इससे मिलता जुलता और छोड़ दूंगा, और नेक्स्ट क्लास में लेक्चर 5 में फिर डाउट्स ही करूंगा. ब्रेक इवन पॉइंट नीचे लिखा है जी, द पॉइंट वेयर ऑपरेटिंग रेवेन्यू इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट. जहां पर ऑपरेटिंग रेवेन्यू ऑपरेटिंग कॉस्ट के बराबर होगा उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट. सिंबॉलिकली लिखिए, OS का मतलब है ऑपरेटिंग सेल्स, OVC का मतलब है ऑपरेटिंग वेरिएबल कॉस्ट, OFC का मतलब है ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट. अभी सब समझा दूंगा, आप लिख लें बस. काउंट पर यूनिट का मतलब ये काउंट नहीं है, ये कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट. कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट. तो वहां लिख रहे कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स इज इक्वल टू ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट. बेटे ओईबीपी अलग हो गया, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट. थोड़ा स्पेलिंग ठीक कर लें. ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट. आराम से लिख ले, मानेगी जर्मन लैंग्वेज है, एक बार पहले लिख तो ले, मैं समझाऊंगा ना. ग्राफिकली ग्राफ इस तरह से बनाना है. अब ग्राफ अभी ना बन पाए कोई बात नहीं, जगह छोड़ दीजिए, अभी मैं समझाऊंगा तब बना लीजिएगा. अब लिख लीजिए, ग्राफ की जगह छोड़ दीजिए, अभी समझाऊंगा तब बना लीजिएगा. जगह छोड़ दीजिए, ग्राफ ऐसे ही बनेगा. ये लिख लीजिए, नाउ ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट. कैन बी कैलकुलेटेड इन यूनिट्स एज वेल एज इन अमाउंट रुपीज. ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में भी निकल सकता है और रुपीज में भी निकल सकता है. जैसे आपने अभी यूनिट्स का फॉर्मूला लिखा है, लिखा ना, अब रुपीज में भी निकल सकता है. ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो. चलिए जी, क्या कंसेप्ट नंबर 11 सबने लिख लिया? अभी समझाना है कंसेप्ट नंबर 11, अभी समझाना है ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट, अभी समझाऊंगा. मैं चाहता हूं कि बस ये 12 भी लिख ले और 13 भी लिख ले, जिससे कि फिर हम आगे समझने का काम जारी रखेंगे. तो कंसेप्ट नंबर 12 भी लिख ले एक बार, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट.
financial break-even point. It is that level of EBIT. Underline कर देंगे. It is that level of EBIT at which EPS of a capital structure is nil. It is that level of EBIT at which EPS of a capital structure is nil. अभी देखते हैं क्या मतलब है. If a company is just able to earn an EBIT which is just sufficient to pay off the financial fixed cost. If a company is just able to earn an EBIT which is just sufficient to pay off the financial fixed cost. So financial break-even point is equal to interest plus preference dividend. अब बेटे गलती से 1 माइनस टैक्स पूरे के नीचे आ गया है. फॉर्मूला है इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी. मतलब 1 माइनस टी खाली प्रेफरेंस डिविडेंड के नीचे. फॉलोइंग कैन बी द 3 केसेस पॉसिबल. 3 केसेस दिए हुए बेटे. केस 1, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख, 10% डिबेंचर्स 5 लाख, टैक्स रेशो 30%. मैंने ऐसे ही एक केस दिया, भी समझाऊंगा तो उस समय दोबारा आऊंगा इसके ऊपर. थोड़ी सी जगह छोड़ दे 3-4 लाइनों की केस 1 के बाद. सो ब्रेक इवन पॉइंट विल बी, 3-4 लाइनों को जगह छोड़कर लिखे सो ब्रेक इवन पॉइंट विल बी. फिर 3-4 लाइनों के बाद लिखेंगे केस 2, इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख, 8% preferential capital 8 lakh, tax rate 40%. Financial break-even point will be, थोड़ी सी फिर जगह छोड़ दें 3-4 लाइनों की. Case 3, equity share capital 8 lakh, 10% preferential capital 5 lakh, tax ratio 30%. So financial break-even point will be आराम से बेटे जगह छोड़ दे. केस 1, केस 2, केस 3 लिख लिया. चलिए बेटे कोई दिक्कत नहीं. लास्ट तो कंसेप्ट है बेटे, कंसेप्ट 13 लास्ट ही तो है. एक्चुअली में 11, 12, 13 एक ही थे, मैंने जान के 3 बना दिए बेटे. तो 11, 12, 13 एक बार लिख ले. ओवरऑल और कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट, ओवरऑल और कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट. ओवरऑल स्लैश कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट. बेटे बहुत अच्छी चीज लिख रहे हैं आप, लिख ले. उसके बाद तो मुझे समझाना ही ना बेटे, तो मुंह छोटा मत करना, मैं सब बातें समझाऊंगा. बेटे यहां लिखा है ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स इज इक्वल टू ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट. अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट 5 लाख, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 3 लाख, सेलिंग प्राइस 200, वेरिएबल कॉस्ट 100. सो ब्रेक इवन पॉइंट विल बी 8000 यूनिट्स है. जगह छोड़ दीजिएगा 5-6 लाइनों की, देखेंगे कैसे आया. आराम से लिख लीजिए, कोई जल्दी नहीं है. चलिए समझते हैं बात को कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपको. आइए चलिए जी, मैं दोस्तों ये बात बताना चाह रहा हूं आप सभी को कि हम एक 11 कंसेप्ट नंबर 11
12 और 13 एक ही बात से समझ सकते हैं, एक ही चर्चा करेंगे चर्चा करेंगे चर्चा करेंगे, और बेटे उसी चर्चा से तीनों कंसेप्ट समझ आ जाएंगे। मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूं कि कभी भी कोई भी कंपनी जब नया नया काम शुरू करती है, नया नया अपना बिजनेस शुरू करती है, तो मुझे बताइए उसका मेन ऑब्जेक्टिव नया नया बिजनेस शुरू करते समय क्या होता होगा। दो ऑप्शंस में से बताना है, प्रॉफिट कमाना होता होगा या प्रॉफिट कमाना होता होगा या लॉस होता होगा या नो प्रॉफिट नो लॉस में काम करने के लिए तैयार हो जाती होगी। बड़ी स्वाभाविक सी बात है, कोई भी नया बिजनेस जब शुरू होता है, जैसे एयरसेल, एयरसेल एक कंपनी ने अपना बिजनेस शुरू किया मोबाइल का, जैसे भारती का वॉलमार्ट के साथ एसोसिएशन हुआ, जॉइंट वेंचर हुआ जो बाद में टूट गया, या जैसे वाघ बकरी चाय, आपने नाम सुना होगा वाघ बकरी चाय। मैं कहता हूं जी कोई भी नई कंपनी या नया प्रोडक्ट जब भी लॉन्च होता है, तो एक बात समझ लीजिएगा, नई कंपनी या नया प्रोडक्ट जब भी लॉन्च होता है तो उनका ऑब्जेक्टिव स्टार्टिंग में पैसा कमाना नहीं होता, प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, उनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। मेरे बेटे इस बात को समझ लीजिएगा, और बेटे लॉस भी कोई नहीं चाहता कि लॉस पे काम करे। तो जनरली क्या करती है कंपनीज, ये सिचुएशन पे शुरू के इयर्स में काम कर लेती हैं जहां पर ना तो प्रॉफिट हो और ना लॉस हो और उनको मार्केट का शेयर मिल जाए। मैं कहता हूं जी ना तो प्रॉफिट हो ना लॉस हो और उनको मार्केट का शेयर रिसीव हो जाए, मार्केट का शेयर मिल जाए, मार्केट का शेयर मिल जाए, और धीरे धीरे जब वो मार्केट का शेयर अचीव कर लेंगे तो उसके बाद ही तो प्रॉफिट कमाएंगे। जैसे आप कंपनी सेक्रेटरी हैं, आप कंपनी सेक्रेटरी जब बन जाएंगे और अपनी प्रैक्टिस शुरू करेंगे, सोचिएगा आपके मन में शुरू के दिनों में क्या विचार आएंगे कि किसी भी तरह से जो खर्चे वो ही निकल जाए, बस आमदनी उतनी तो हो जाए जितने खर्चे निकल जाए, आप शुरू के इयर्स में प्रॉफिट अर्न करने की सोचोगे ही नहीं। तो बेटे उसी तरह से कोई भी बिजनेस जब शुरू होता है तो वो उस केस में ब्रेक इवन पॉइंट में काम करना पसंद करता है। बेटे ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या है, ना तो प्रॉफिट हो और ना लॉस हो। एक बच्चा कह रहा है कि ये कंसेप्ट कर क्यों रहे हैं और ये कंसेप्ट हमें डेट इक्विटी मिक्स के ऑप्टिमम सिलेक्शन में मदद कैसे करेगा, अभी बताऊंगा बेटे। मैंने अभी तक ये बताया आपको कि एमपीएस हमें मदद करता है डेट इक्विटी मिक्स के सिलेक्शन में, ईपीएस हमें मदद करता है डेट इक्विटी मिक्स के सिलेक्शन में। पिछले लेक्चर में ये बताया कि इन डिफरेंस पॉइंट भी मदद करता है हमें, हमें हमें इन डिफरेंस पॉइंट भी मदद करता है, किस लिए, किस लिए, ऑप्टिमम डेट इक्विटी मिक्स के सिलेक्शन करने में। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि कहीं ना कहीं ब्रेक इवन पॉइंट भी हमारी मदद करेगा ऑप्टिमम डेट इक्विटी मिक्स के सिलेक्शन में। हम इसीलिए तो ये वाला कंसेप्ट कर रहे हैं। पहले मैं समझा रहा हूं कि ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, निकलता कैसे है। एक बार आपको यह समझ आ जाएगा तो फिर मैं ये बताऊंगा कि हाउ इट विल बी यूजफुल, फिर मैं बताऊंगा कि यूजफुल कैसे है, हाउ इट विल बी यूजफुल इन सिलेक्टिंग ऑप्टिमम डेट इक्विटी मिक्स। बेटे ठंड तो रख लो, पहले मुझे ये तो बताने दो कि ब्रेक इवन पॉइंट क्यों निकालते, क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, फिर लास्ट में बताऊंगा ना कि इसका इस्तेमाल कहां होगा। तो मैंने अभी तक ये बताया कि कोई भी नई कंपनी जब बिजनेस शुरू करती है तो वो नो प्रॉफिट और नो लॉस की सिचुएशन में काम करती है, नो प्रॉफिट और नो लॉस की सिचुएशन में काम करती है। अब जब नो प्रॉफिट और नो लॉस की सिचुएशन शुरू शुरू के इयर्स में होती है
तो हमें ये तो देखना है ना कि हम कितने 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 कम से कम यूनिट्स बेचे, हम कितने कम से कम यूनिट्स बेचे जिससे हमें हमें ब्रेक इवन पॉइंट अचीव हो जाए। मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जी, हम ये निकाल रहे हैं कि हम कितने यूनिट्स कम से कम बेच दे कि हमें ब्रेक इवन पॉइंट मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन को हम अचीव कर लें। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो बेटे उस पॉइंट को निकालने के लिए मैंने आपको कहा कि हम ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं, और ब्रेक इवन पॉइंट बेटे दो तरह के होते हैं। एक का नाम है ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट बेटे, एक होता है ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट, और दूसरा होता है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट बेटे। एक का नाम है ऑपरेटिंग और एक का नाम है फाइनेंशियल। एक का नाम है ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट और एक का नाम है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। आपने अभी तक एक ही ब्रेक इवन पॉइंट सुना है जो आप इंटर में करते आए हैं एग्जीक्यूटिव में बेटे, वो सुना है पता कौन सा? वो सुना है ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। सीएस एग्जीक्यूटिव में जो ब्रेक इवन पॉइंट आपने किया है वो ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट था बेटे। लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट कंबाइंड होता है, कंबाइंड में ऑपरेटिंग प्लस फाइनेंशियल दोनों होते हैं बेटे, उसको बोलते हैं कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट। तो अब मैं पहले ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट बताऊंगा, फिर मैं फाइनेंशियल बताऊंगा, फिर मैं कंबाइंड बताऊंगा, फिर मैं इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा, और फिर ये बताऊंगा कि ब्रेक इवन पॉइंट क्यों निकालते हैं या इसकी हमारे को ऑप्टिमम डेट इक्विटी मिक्स को निकालने में कहां मदद होगी, कहां पे हेल्प करेगा, कहां पर हेल्प करेगा। ठीक है जी? तो चलिए दोस्तों, हम आज चल रहे हैं ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट की तरफ। ये मैंने लिख दिया जी, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट मैंने लिख दिया जी, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। क्या मतलब? दैट लेवल ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दैट लेवल ऑफ ऑपरेटिंग यूनिट्स और ऑपरेटिंग एक्टिविटी और ऑपरेटिंग सेल्स और कुछ भी और ऑपरेटिंग यूनिट्स, वेयर देयर विल बी नो प्रॉफिट, जहां पर ना तो प्रॉफिट होगा और ना लॉस होगा। वेयर देयर विल बी नो प्रॉफिट नो लॉस, जहां पर ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस, उस पॉइंट को बोलते हैं ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। इसका मतलब जहां पर मेरी जितनी सेल्स होगी, ऑपरेटिंग सेल्स जितनी भी होगी बेटे, वो ऑपरेटिंग कॉस्ट के बराबर होगी। मतलब मैं जितने रुपए की बिक्री करूंगा मेरा खर्चा भी उतने रुपए का ही होगा। ऑपरेटिंग सेल्स इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट। आराम से बेटे, बड़ी प्यारी सी बात लिख दी। ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट उस पॉइंट को बोलते हैं जहां पर ऑपरेटिंग सेल्स और ऑपरेटिंग कॉस्ट बराबर होंगी। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट बेटे दो तरह की हो सकती है। एक हो सकती है बेटे ऑपरेटिंग वेरिएबल कॉस्ट, और एक हो सकती है बेटे ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। बेटे ऑपरेटिंग कॉस्ट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। एक हो सकती है ऑपरेटिंग वेरिएबल कॉस्ट और एक हो सकती है ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। अब मुझे ये समझना है कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है और फिक्स कॉस्ट क्या होती है, और फिर ऑपरेटिंग वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है और ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट क्या होती है। बताऊंगा बेटे, बिल्कुल बताऊंगा, आराम से आप पहले यहां तक समझ लें। मैंने कहा ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट वो वाला पॉइंट होता है जहां पर
ऑपरेटिंग सेल्स, जहां पर ऑपरेटिंग सेल्स बराबर में होती है ऑपरेटिंग कॉस्ट के। और ऑपरेटिंग कॉस्ट दो तरह की होती है, एक ऑपरेटिंग वेरिएबल कॉस्ट और एक ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। अब बेटा वेरिएबल क्या होती है, मैंने कहा दैट कॉस्ट, पता है आपको, फिर भी लिख रहा हूं, दैट टाइप ऑफ कॉस्ट विच इज डायरेक्टली रिलेटेड विद प्रोडक्शन। ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेट करती हो हम कहते हैं उसका नाम है वेरिएबल कॉस्ट। ध्यान से, मैंने कहा वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है जो प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली रिलेट करती हो। जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो कॉस्ट बढ़ेगी, और प्रोडक्शन कम होगी तो कॉस्ट भी कम होगी, उसको कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। जैसे जैसे डायरेक्ट मटेरियल, एग्जांपल लिख रहा हूं, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। प्रोडक्शन बढ़ेगी तो मटेरियल भी बढ़ेगा कंजम्पशन का, लेबर भी बढ़ेगी, एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे, उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगी। तो मैं नीचे एक टेबल बना रहा हूं, आप लिख लीजिए प्लीज, भले इसको आप नोट वन करके लिख लीजिए, उसी कंसेप्ट के नीचे, 13 नंबर कंसेप्ट के नीचे, कंसेप्ट नंबर 13 के नीचे आप लिख लीजिए, कंसेप्ट नंबर 13 के नीचे लिख लीजिए। और अभी मैं एक टेबल आपके लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, और टेबल में लिख रहा हूं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। मान लेते हैं एक यूनिट को बनाने में 10 रुपए का खर्चा है और प्रोडक्शन इन यूनिट्स 1, 10, 100, 1000। बेटे वे टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये लिख दिया मैंने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ये लिख दिया बेटे 10 रुपए यहां पर है, 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 10 रुपए यहां पर है। बेटे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो 10 रुपए ही रहेगा किसी भी नंबर ऑफ यूनिट की प्रोडक्शन पे, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट टोटल देखें तो 10, 100 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए और 1,00,000 रुपए। आराम से देख लीजिए। अब ये जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है बेटे, इसमें 3 कंपोनेंट्स हम लिख सकते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। अगर आप इसका चित्र बनाना शुरू करें तो देखिए जी, मैं यहां पे लिखूं प्रोडक्शन और यहां लिखूं टोटल वेरिएबल कॉस्ट वाई एक्सिस में, तो देख लीजिए कुछ इस तरह का 45 डिग्री का एंगल बनेगा। हमें ये पता बताता है चीज की जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगी वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो बेटे इसी का तो नाम है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है जी, आराम से आपने मीनिंग लिख लिया, इसका ग्राफ देख लिया। ठीक है जी, मैं आगे चलता हूं। फिक्स कॉस्ट लिखिए, फिक्स कॉस्ट इट मींस दैट टाइप ऑफ कॉस्ट विच रिमेन्स सेम, इट मीन्स दैट टाइप ऑफ कॉस्ट विच रिमेन्स सेम इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन, जो हमेशा सेम रहती है प्रोडक्शन के बिना भी, मतलब आप प्रोडक्शन करें या ना करें, आप ज्यादा बेचे कम बेचे, कॉस्ट सेम रहेगी, उसका नाम है फिक्स्ड कॉस्ट। एग्जांपल रेंट, सैलरीज, डिबेंचर इंटरेस्ट। बेटे आराम से देख लीजिए, डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा चाहे चाहे आप सेल करें या ना करें, रेंट देना पड़ेगा चाहे आप सेल करें या ना करें, सैलरीज देनी पड़ेगी चाहे आप सेल करें या ना करें। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि आप ये समझ लीजिए,
मान लेते हैं 1,00,000 रुपए की हमारी फिक्स कॉस्ट है, तो यहां पर देखेंगे टेबल बनाएंगे, प्रोडक्शन जीरो है, 1, 10, 100 या 1000, जितनी भी प्रोडक्शन हो, यहां लिखेंगे टोटल फिक्स कॉस्ट 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए। बेटे ये टोटल फिक्स कॉस्ट है, तो बेटा ध्यान से फिक्स कॉस्ट पर यूनिट आप देख लें, ये इन्फिनिटी है बेटे, ये 1,00,000 है, ये 10,000 है, ये 1,000 है, ये 100 है। बेटे मैंने कहा था टोटल फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी, पर यूनिट की बात नहीं बोली थी। अब आप ग्राफ बना लीजिए बेटे, ये प्रोडक्शन है, इसको बोलते हैं बेटे टोटल फिक्स कॉस्ट, इसको बोलते हैं ये टोटल फिक्स कॉस्ट। आराम से देख लीजिए, टोटल फिक्स कॉस्ट ये है, टोटल फिक्स कॉस्ट ये है, आराम से बेटे मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आराम से पहले बनाइए फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, अब एक बात और बतानी बेटे, फिक्स कॉस्ट जो है दो तरह की होती है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑफ टू टाइप्स, आराम से लिख लें आप, फिक्स्ड कॉस्ट दो तरह की होती है बेटे, फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑफ टू टाइप्स। पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट के दो हिस्से होते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, एक होता है बेटे ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट और एक फाइनेंशियल, और मैं बता रहा था ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट, मैंने कहा था ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ऑपरेटिंग सेल्स ऑपरेटिंग कॉस्ट के बराबर है, ऑपरेटिंग सेल्स ऑपरेटिंग कॉस्ट के बिल्कुल बराबर है। बेटे ऑपरेटिंग कॉस्ट के दो हिस्से होते हैं, ऑपरेटिंग वेरिएबल कॉस्ट और ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, एक बेटे ऑपरेटिंग वेरिएबल कॉस्ट और एक बेटे ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। फिर मैंने कहा था ऑपरेटिंग वेरिएबल कॉस्ट उस कॉस्ट को बोलते हैं विच इज डायरेक्टली रिलेटेड विद प्रोडक्शन, जो बेटे प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेट करती है उसको ऑपरेटिंग वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। तो ऑपरेटिंग वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है कि आप समझ लें, जैसे मैंने आपको चित्र बना के दिखाया था, उसके बाद मैंने ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट बताई थी, मैं ये कहना चाह रहा हूं फिक्स कॉस्ट इज ऑफ टू टाइप्स, एक फिक्स कॉस्ट का नाम है ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट और एक फिक्स कॉस्ट का नाम है फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। मैंने जो आपको अभी अभी एग्जाम्पल दिया उसमें मैंने लिखा डिबेंचर इंटरेस्ट, मैंने लिखा रेंट, मैंने लिखा सैलरीज, वैसे तो तीनों की तीनों ही फिक्स कॉस्ट हैं, लेकिन इसमें से बेटे ये जो दो हैं वो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट हैं और ये जो डिबेंचर इंटरेस्ट है ये बेटे फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट है। तो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट दो है, रेंट और सैलरीज बेटे ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है और डिबेंचर इंटरेस्ट फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं फिक्स कॉस्ट जब हम ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट करेंगे, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट मैं लिख रहा हूं बेटे ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट वो वाला पॉइंट है जहां पर ऑपरेटिंग सेल्स ऑपरेटिंग कॉस्ट के बिल्कुल बराबर होती है, ऑपरेटिंग सेल्स ऑपरेटिंग कॉस्ट के बिल्कुल बराबर है। फिर मैंने कहा ऑपरेटिंग सेल्स इज इक्वल टू ऑपरेटिंग वेरिएबल कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। बेटे ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट में हम ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट लेते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, बेटे ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट लेते हैं, ठीक है जी। इसके बाद मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट वो होती है जो ऑपरेशन से रिलेट करती है, जैसे मैंने आपको कहा कि किंगफिशर एयरलाइन, चलिए इस इसका एग्जांपल लेते हैं, किंगफिशर एयरलाइन को दिल्ली से बॉम्बे हवाई जहाज उड़ाकर लेके जाना है, पैसेंजर्स को दिल्ली से बॉम्बे लेकर जाना है, तो बताइए जी
दिल्ली से बॉम्बे जाने के लिए जो पेट्रोल की कॉस्ट लगेगी किंगफिशर एयरलाइन की, जो पेट्रोल की कॉस्ट लगेगी और जो एयर होस्टेसेस को पैसे दिए जाएंगे, मैं कहता हूं उसका तो नाम है ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, क्योंकि वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लग रही है। लेकिन किंगफिशर एयरलाइन ने लोन लिया हुआ है HDFC बैंक से और उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है, तो मैं कहूंगा जो इंटरेस्ट पे करना है किंगफिशर एयरलाइन को लोन के ऊपर, उसका नाम है फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। तो बेटे फिक्स्ड कॉस्ट दो तरह की होती है, एक फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट और एक फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। बेटे एक फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट और एक फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। मैं अभी ऑपरेटिंग ब्रेकवन पॉइंट में फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है जी। तो ऑपरेटिंग सेल्स इज इक्वल टू ऑपरेटिंग वेरिएबल कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स तो फिक्स ही रहती है, तो बेटे मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं, ऑपरेटिंग सेल्स माइनस ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू, या ऑपरेटिंग वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। फिक्स को मैंने अलग कर दिया क्योंकि फिक्स तो फिक्स ही रहती है। बेटे इन दोनों का जो डिफरेंस है इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। बोलिए ये कब कब पूरा होगा बेटे, ये कब होगा, ये ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट में इक्वेशन होगी। तो मैं ये कह सकता हूं एट ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट, एट ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू टोटल ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। बोलो बेटे ये बात बोल सकता हूं या नहीं, बिल्कुल आराम से लिख लीजिए बेटे। मैंने जो फॉर्मूला बताया था अभी वो फॉर्मूला ही डिराइव कर देता हूं बेटे, रटने की तो जरूरत ही नहीं है। एग्जीक्यूटिव में रटते थे आप ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला, बेटे रटना नहीं है भूपेश आरंग की क्लास में, रटना नहीं है मेरे बेटे। तो मैंने यहां लिख दिया जी टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू टोटल ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू टोटल ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। बेटे मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स इनटू कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, इनटू कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू टोटल ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। बेटे मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स इज इक्वल टू टोटल ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। आराम से देख लीजिए, आप ये फॉर्मूला पहले ही लिख चुके हैं, आपको ध्यान से देखना है ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स इज इक्वल टू टोटल ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। देखिए बेटे फॉर्मूला खुद बन गया, उस इक्वेशन ने खुद बता दिया। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, तो ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट दो तरह से निकाल सकते हैं। ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट कैन बी कैलकुलेटेड इन यूनिट्स और कैन बी कैलकुलेटेड इन रुपीस। बेटे या तो यूनिट्स में निकाल सकते हैं और या रुपीस में निकाल सकते हैं। बेटे बहुत सिंपल है, आपने फॉर्मूला लिखा ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट और फिर डिवाइड किया कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये आ गया बेटे ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। अगर रुपीस में चाहिए तो बेटे दोनों तरफ सेलिंग प्राइस से गुणा कर दीजिए, यूनिट्स का पहले फॉर्मूला लिखिए,
यही तो फॉर्मूला है, यही तो फॉर्मूला है। अब आप क्या कीजिए, यहां से भी सेलिंग प्राइस से गुणा कर दीजिए पर यूनिट को, पर यूनिट से, और यहां से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अब मुझे बताइए लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड ये आ गई बेटे ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस, क्योंकि सेलिंग प्राइस है, जब कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाई तो रुपीज आ गया। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो, क्यों बेटे पीवी रेशो, क्योंकि बेटे पीवी रेशो का फॉर्मूला एग्जीक्यूटिव में किया आपने कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इन 200, बेटे यही तो है पीवी रेशो, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इन 200, तो बेटे ये पीवी रेशो है, ठीक है जी, वो ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट है। आराम से नोट करिए, कोई भी फॉर्मूला रटना नहीं है मेरे बेटे, लॉजिकली बताया है, लॉजिकली बताया है, रटना नहीं है बेटे भूपेश शाम की क्लास में, नोट कर लीजिए, आप लिख चुके हैं, मैं तो खाली लॉजिक बता रहा बेटे। मैंने एक बात आपको बताने की कोशिश की है कि ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स का मतलब होता है ऑपरेटिंग सेल्स इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट। इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय टू मेथड्स, एक तो बेटे एलजेब्रिकली है और दूसरा बेटे ग्राफिकली, ग्राफ बनाकर भी कर सकते हैं। तो एलजेब्रिकली तो मैंने फॉर्मूला बता दिया बेटे, यूनिट्स में भी निकाल सकते हैं, रुपीस में भी निकाल सकते हैं, और फॉर्मूला रटना थोड़ी है बेटे, रटना नहीं है बेटे। और ग्राफिकली हम कैसे करेंगे बेटे, ग्राफ बना के दिखाऊंगा अभी। जैसे आपने जगह छोड़ी हुई है वहीं पे आ जाइए, ये देखिए मैं x एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है बेटे, यहां यूनिट्स है बेटे, y एक्सिस में मैं वेरिएबल कॉस्ट ले रहा हूं। आप बताइए जी वेरिएबल कॉस्ट ऐसे नहीं होगी, अच्छा y एक्सिस में अगर मैं फिक्स कॉस्ट भी ले लूं आप बताइए फिक्स कॉस्ट ऐसे नहीं होगी, टोटल ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, तो बताइए जी टोटल कॉस्ट ऐसे नहीं होगी। आराम से बेटे, कोई टेंशन है ही नहीं, मैं ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट आपको ग्राफिकली बता रहा हूं। एक्स एक्सिस में यूनिट्स ले लिए और वाई एक्सिस में मैंने वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट ले ली, और बेटे फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट को मैंने कहा ये टोटल कॉस्ट है। अब आप बताइए अगर मैं सेल्स भी यहां ले लूं तो टोटल सेल्स भी तो ऐसी होगी बेटे, जहां पर टोटल सेल्स और टोटल कॉस्ट सेम है, अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं एक्स एक्सिस की तरफ तो इसको मैं बोलूंगा ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, और इसको बोलूंगा ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस। आराम से बेटे, वहां यूनिट्स में आ जाएगा, वहां रुपीस में आ जाएगा, वहां यूनिट्स में आ जाएगा, वहां रुपीस में आ जाएगा, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस। आराम से देख लीजिए, इस पॉइंट पे नो प्रॉफिट नो लॉस, ना तो प्रॉफिट होगा और ना लॉस होगा, तो ब्रेक इवन पॉइंट दो तरह के हुए, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन, फाइनेंशियल ब्रेक इवन। ऑपरेटिंग ब्रेक इवन दो मेथड से निकाल सकते हैं, एलजेब्रिकली ग्राफिकली, ग्राफिकली समझा दिया, अभी मैं धीरे धीरे आपको इसका क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो
तो आइए एक क्वेश्चन करें, एक एग्जांपल लिखें, आप सभी लिखें, मैं खुद बना देता हूं। आइए लिखिए केस स्टडी इन रिलेशन टू ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। केस स्टडी इन रिलेशन टू ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है बेटे। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 50 रुपीस, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 30 रुपीस, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट 5 लाख रुपीस, 5 लाख रुपए बेटे ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। कैलकुलेट ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स एंड ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस। आराम से बैठे, सेलिंग प्राइस 50 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट 30 रुपए, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट 5 लाख रुपए। कैलकुलेट ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स एंड कैलकुलेट ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस। आराम से निकालेंगे बेटे। तो मैं लिख रहा हूं, फॉर्मूला रटना ही नहीं है बेटे, लॉजिकली समझ लेना। ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स इज इक्वल टू ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। बेटे ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, 5 लाख रुपए, अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट 50 माइनस 30, तो बेटे 5 लाख अपॉन 20 कर दीजिए, 25,000 यूनिट आ गए बेटे। इन केस मैनेजमेंट सेल्स 25,000 यूनिट्स, अगर मैनेजमेंट 25,000 यूनिट बेचती है देन कैन अचीव ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। और बेटे सेल्स में भी निकाल सकते हैं, आराम से नोट कर लीजिए, अभी हम क्वेश्चन करेंगे। और सेल्स तो सिंपल ही है बेटे, तो मैं लिख रहा हूं ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस, सेल्स रुपीस में भी निकाल सकते हैं बेटे। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो, पीवी रेशो का फॉर्मूला बताइए आपको, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, तो 20 अपॉन 50 इंटू 100 बराबर में 40% आ गया बेटे। एग्जीक्यूटिव में क्या हुआ, 5 लाख भाग में 40%, भाग मिलकर भाग ये आ गया बेटे 12,50,000। ₹12,50,000 ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स आ गई मेरे बेटे, 5 लाख डिवाइडेड बाय 0.4,
इसको वैसे ऐसे भी कर सकते थे जैसे आपने ये निकाला था 25,000 यूनिट, तो बेटे 25,000 यूनिट्स इंटू 50, ये भी तो यही आ रहा है 12,50,000। तो लिखें इन केस मैनेजमेंट मैनेजमेंट सेल्स रुपीज 12,50,000 ऑफ सेल्स, देन कैन अचीव ब्रेक ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स इन रुपीज। आराम से बेटे, बेटे लॉजिक है, कोई रटना नहीं है, सिंपल सा ध्यान रखना है जो मैं बातें बोल रहा हूं। तो मैंने अभी ये भी बताना है कि ब्रेक इवन पॉइंट डेट इक्विटी मिक्स में कैसे मदद करेगा, ये भी बताना है। मुझे याद है बेटे, मुझे मालूम है, मुझे ये भी बताना है, बताऊंगा बेटे। ठंड तो रख लीजिए, ठंड तो रखिए। आइए बेटे मैं एक नई बात बताऊं, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट आप लिख चुके हैं, पहले बात समझ लें। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, मैंने कहा फिक्स कॉस्ट दो तरह की होती है, एक ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट और दूसरी फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट तो मैंने ऑलरेडी कंसिडर कर ही लिया जब मैंने ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट निकाला। फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट मैं फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट निकालते समय यूज करूंगा। फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट आई विल यूज व्हाइल कैलकुलेटिंग फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। तो ध्यान से दे बेटे, ध्यान से मेरे बेटे, मैंने ये बात बोल ली है, मैंने ये बात बोल ली, मैंने ये बात बोल ली, मैंने ये बात बोल ली है क्या? दैट लेवल ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, दैट लेवल ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स मतलब ईबीआईटी, दैट लेवल ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, दैट लेवल ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स दैट इज ईबीआईटी विच इज सफिशियंट, विच इज सफिशियंट टू पे, विच इज सफिशियंट टू पे, विच इज सफिशियंट टू पे फिक्स्ड फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, विच इज सफिशियंट टू पे फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट, दैट लेवल ऑफ ईबीआईटी, दैट लेवल ऑफ ईबीआईटी विच इज सफिशियंट टू पे फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट इज नेम्ड एज फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट लेवल ऑफ ईबीआईटी। लिख चुके हैं बेटे, मैं समझाना चाह रहा हूं कि मैं बोल क्या रहा हूं। एक बच्चा कह रहा है ये फ्रांस फ्रेंच लैंग्वेज बोल रहा है, मास्टर पागल हो गया। नहीं बेटे नहीं, ध्यान से सुन लीजिए, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपने सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस किया तो याद है कंट्रीब्यूशन आ गया, इसमें से ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट लेस किया तो ईबीआईटी आ गया, इसमें से इंटरेस्ट लेस किया तो ईबीटी आ गया, टैक्स लेस किया तो ईएटी आ गया। बेटे ईएटी में से प्रेफरेंस डिविडेंड लेस किया तो बैलेंस क्या बचता है? प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। बेटे यहां तक जो मैंने डिस्कस किया था उसका नाम था ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट, और बेटे यहां से यहां तक जो मैं डिस्कस कर रहा हूं इसका नाम है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। आराम से बेटे, आराम से बना लीजिए, मैं समझाऊंगा, आप बिल्कुल घबराना नहीं है,
मैंने कहा ये प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट आपके सामने, वहां तक जो है वो ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट है और उसके बाद जो है वो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट है, और इन इन दोनों को ऐड कर दें, अगर हम अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो बेटे जो चीज आती है उसका क्या नाम है, कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट। वो तो बहुत ईजी है, पहले आप बस फाइनेंशियल समझ लीजिए, काम हो गया। फाइनेंशियल का मतलब है कि हम जो ईबीआईटी यहां पर कैलकुलेट करेंगे वो उतनी हो, वो उतनी हो, वो उतनी हो जितनी जितनी हमें फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट देनी हो। आराम से बेटे, मैंने कहा ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स उतनी हो जितनी हमें फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट ही देनी हो। ये ऐसा समझ लीजिए जहां पर प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स जीरो आ जाए, जहां पर प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स जीरो आ जाए, जीरो जीरो, उस पॉइंट को हम कहते हैं फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, उस पॉइंट को हम कहते हैं फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। बेटे वही पॉइंट है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, बात को समझ लीजिए ध्यान से। तो मैं आपके सामने यही बात बार बार रख रहा हूं, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि दो तरह के ब्रेक इवन पॉइंट होते हैं, एक ऑपरेटिंग और एक फाइनेंशियल। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है, वो लेवल ऑफ ईबीआईटी है जो बिल्कुल खाली बराबर हो फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट के। फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट दो होती है बेटे, देख लो, एक तो इंटरेस्ट बेटे, एक इंटरेस्ट और एक प्रेफरेंस डिविडेंड, क्योंकि यही देनी होती है कंपल्सरी एक इंटरेस्ट और एक प्रेफरेंस डिविडेंड, एक इंटरेस्ट और एक प्रेफरेंस डिविडेंड बेटे यही देनी होती है कंपल्सरी, एक इंटरेस्ट और एक प्रेफरेंस डिविडेंड, एक इंटरेस्ट और एक प्रेफरेंस डिविडेंड। बस बेटे ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट लेवल ऑफ EBIT which is equal to fixed financial cost, जो fixed financial cost के बराबर होती है। और fixed financial cost में दो चीजें आती हैं, एक preference, एक debenture interest, एक डिबेंचर इंटरेस्ट और दूसरा प्रेफरेंस डिविडेंड। लेकिन बेटे एक डिफरेंस है दोनों में, एक चीज टैक्स निकालने से पहले दी जाती है और एक चीज टैक्स निकालने के बाद दी जाती है। तो अगर मैं ये ऐसे लिखूं डिबेंचर इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड, अगर मैं ऐसे लिखूं और मैं कहूं ये मेरी फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट है, ये मैं कहूं ये मेरी फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट है, तो ये गलत होगा। माना कि फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट के दो ही कॉम्पोनेंट्स हैं, एक डिबेंचर इंटरेस्ट और एक प्रेफरेंस डिविडेंड। लेकिन मैं आपसे यही तो बात कहने जा रहा हूं, मैं आपसे यही तो बात कहने जा रहा हूं कि हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि एक चीज टैक्स से पहले है और एक चीज टैक्स के बाद है। अभी मैं तीन केसेस दिए ना, अभी समझाता हूं कि मैं क्या बोलता जा रहा हूं, मैं क्या बोलती अभी समझाती, क्या बोलती अभी समझाती, अभी फॉर्मूला लिखती, मैं ये कहती फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट इज इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन वन माइनस टैक्स। मैं मान रहा हूं कि अभी आप लिख दीजिए वन माइनस टैक्स, देख लेंगे क्यों। फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट इज इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस
preference dividend upon 1 minus tax. Interest plus preference dividend upon 1 minus tax. Interest plus preference dividend upon 1 minus tax. लिख दीजिए आराम से, कोई टेंशन मत लीजिए. इस फिगर को हम बोलते हैं ग्रॉस प्रेफरेंस डिविडेंड. ग्रॉस प्रेफरेंस डिविडेंड, ग्रॉस प्रेफरेंस डिविडेंड. ठीक है बेटे, एक बार वो तीनों केसेस देखिए जो मैंने आपको लिखवाए थे, वो तीनों केसेस आपने लिखे. जैसे पहला केस है, आपने बताना है कि यहां पर फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा. बताइए, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख, 10% डिबेंचर्स 5 लाख, 10% डिबेंचर्स 5 लाख रुपए के हैं. बेटे इक्विटी शेयर के ऊपर डिविडेंड देते हैं इक्विटी डिविडेंड, और वो कंपलसरी पे करना है ही नहीं. बेटे डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट देते हैं, बेटे डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट देते हैं और वो 10% है और वो कंपलसरी देना है और वो टैक्स के पहले ही देते हैं. तो मैं कहूंगा 5 लाख का 10% निकाल लें तो 50,000 आ गया. मैं कह रहा हूं भगवान को, साईं इतना दीजिए मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए, साधु भी भूखा ना जाए. बेटे 50,000 रुपए की भी अगर EBIT हो गई ना तो मैं फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट अचीव कर लूंगा. 50,000 रुपए की भी EBIT हो गई ना तो मैं फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट अचीव कर लूंगा. बेटे यही तो बात बताने जा रहा हूं, 10% 5 लाख का 50,000 रुपए तो आता है. बेटे 50,000 भी अचीव कर लिया तो मैं फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट अचीव कर लूंगा. तो यही बात आपको मैं लिखवाता हूं. आइए मैं ये पहला करके दिखाऊं आपको. केस वन, इन केस EBIT इज इक्वल टू, इन केस EBIT इज इक्वल टू, इन केस EBIT इज इक्वल टू ₹50,000, दैट इज डिबेंचर इंटरेस्ट. इन केस EBIT इज इक्वल टू ₹50,000, दैट इज डिबेंचर इंटरेस्ट, दैट इज फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट. देन फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट कैन बी अचीव्ड. बेटे केस वन तो इजी था, लेकिन केस टू में समझ आएगा फॉर्मूला बना कैसे है. आइए एक बार देखें केस टू, देख ले एक बार देखें जी केस टू. ये ना केस टू बेटे, इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 8 लाख, टैक्स रेशियो 40%. अब बेटे यहां डिबेंचर्स नहीं है, तो डिबेंचर्स नहीं है तो इंटरेस्ट देना ही नहीं है. तो 8 लाख का 8%, 8 लाख का 8% 64,000 रुपये आता है बेटे, 64. अब ये 64,000 का प्रेफरेंस डिविडेंड देना है. ठीक है जी, तो मैं केस टू लिख रहा हूं. केस टू, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 8% है बेटे 8 लाख रुपए की, तो ये कितना आ गया 64,000. प्रेफरेंस डिविडेंड बेटे 64,000 रुपीज आ गया. बेटे प्रेफरेंस डिविडेंड 64,000 रुपए आ गया. बेटे प्रेफरेंस डिविडेंड 64,000 आ गया. बेटे लेकिन एक चीज मैं बताऊं, टैक्स रेट 40% दिया. मैं यहां पर ये नहीं कह सकता इन केस,
In case EBIT is rupees 64,000, that is preference dividend equal to preference dividend, then financial break even point can be achieved. बेटा मैं ये कह नहीं सकता. In case EBIT is rupees 64,000, then preference dividend, then financial break-even point can be achieved. क्यों? देखते. Because जरा क्रॉस चेक करके दिखा दो बेटे. अगर मैं ये कहूँ कि EBIT 64,000 रुपए है, इंटरेस्ट तो है ही नहीं, EBT 64,000 है, टैक्स लेस कर देते हैं 40% का रेट है बेटे, ये आ गया जी 25,600, ये आ गया बेटे 38,400, ये आ गया जी अर्निंग आफ्टर टैक्स. अगर मैं इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड दूं तो बेटे प्रेफरेंस डिविडेंड तो 64,000 रुपीज ही देते हैं बेटे, प्रेफरेंस डिविडेंड तो 64,000 रुपीज दे रहे हैं और अर्निंग आफ्टर टैक्स 38,400 है. तो बेटे मैं यही तो कह रहा हूं कि आप दे ही नहीं पाएंगे. एक बच्चा कहने लगा गलती कहां कर दी, अभी बताता हूं बेटे. प्रेफरेंस डिविडेंड टैक्स देने के बाद देते हो, इसलिए प्रेफरेंस डिविडेंड का ग्रॉसअप करना जरूरी है, हमें टैक्स से पहले वाली फिगर निकालनी है. तो मैं नीचे लिख रहा हूं हेंस इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इट इज इंपॉर्टेंट टू, इट इज इंपॉर्टेंट टू ग्रॉस अप प्रेफरेंस डिविडेंड. इट इज इंपॉर्टेंट टू ग्रॉस अप प्रेफरेंस डिविडेंड. ये जरूरी है कि प्रेफरेंस डिविडेंड की ग्रॉसिंग अप हो. तो बेटे यहां मैं लिख रहा हूं बेटे फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड, अब इंटरेस्ट तो है ही नहीं, प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स. बेटे ग्रॉस निकाला, ये ग्रॉसिंग अप है, तो बेटे 64,000 अपॉन 1 माइनस 0.4, ये आ गया बेटे 1,06,666. 1,06,666 क्या चीज है ये, ईबीआईटी. इफ ईबीआईटी इज इक्वल टू रुपीज 1,06,667, इफ ईबीआईटी इज इक्वल टू 1,06,667, then financial break even point can be achieved. अभी प्रूफ करते हैं बेटे, लिख लो
लिख लिया बेटे, मैं क्रॉस चेक करके दिखाता हूं। क्रॉस चेकिंग खाली बेटे समझाने के लिए कि फॉर्मूला कैसे बना, ग्रॉसिंग अप क्यों कर रहे हैं। ईबीआईडी मैं लिख रहा हूं बेटे 106,665, ठीक है जी, लेस। इंटरेस्ट तो है ही नहीं, 106,665 ये आ गया बेटे ईबीटी। लेस टैक्स, और बेटे टैक्स तो 40% है, 42,665 ये आ गया बेटे देखो 64,000। अर्निंग आफ्टर टैक्स, और बेटे प्रेफरेंस डिविडेंड भी तो 64,000 रुपए ही देना है। ये देखिए ये आ गया जी प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स निल। प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स निल, देख लीजिए यही तो है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। अब समझ आया कि प्रेफरेंस शेयर्स में ग्रॉसिंग अप करनी जरूरी है। तो चलिए केस थ्री करके दिखाइए, तो मैं मानू कि आपको समझ आ गया। केस थ्री, अच्छा केस थ्री में भी प्रेफरेंशियल कैपिटल ही है, कोई बात नहीं क्वेश्चन करते हैं। अच्छा एक चीज और बतानी थी, देखिए जी तो मैंने आपको बताया एक होता है बेटे कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट, और इसके दो हिस्से होते हैं। एक होता है जी ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट, और एक होता है जी फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। एक होता है बेटे ऑपरेटिंग और एक होता है बेटे फाइनेंशियल, और इन दोनों को ऐड कर दे तो क्या आता है बेटे कंबाइंड। बेटे कंबाइंड कैसे निकालेंगे, बड़ा ही सिंपल है बेटे, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट प्लस फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फॉर्मूला देख लीजिए, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट प्लस फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये बेटे फॉर्मूला है, और ये आ जाएगा कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट। और बेटे रुपीज में निकालना हो तो बता तो चुका हूं, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट प्लस फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो आराम से बेटे एक क्वेश्चन जरूर करेंगे, हवन करेंगे हवन करेंगे बेटे। इतनी मेहनत की तो एक क्वेश्चन तो बनता है बेटे, एक तो बनता ही है बेटे। क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाइए, 17 में आ जाइए मेरे बेटे। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 17, लो बेटे खोल भी दिया आपके सामने। तो ये 17 करने के बाद हम 1 से लेके 17 तक का सारा आपको होमवर्क देंगे। वैसे मैंने उसमें 90% क्वेश्चंस करा भी दिए, फिर भी अगर आपसे नहीं हुए तो मैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 में उन सभी को दोबारा से रिपीट करूंगा। तो जो डाउट्स मैंने लेने हैं वो मैं लूंगा, लेकिन आपको कसम है अगर आपने घर में ट्राई नहीं किए तो। भगवान कृष्ण ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, कर्म कर फल की इच्छा मत कर मत कर। चलिए जी 17 क्वेश्चन, द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज एस्टिमेटेड एट ₹5 lakhs टू बी फाइनेंस्ड बाय 2000 ऑर्डिनरी शेयर्स, 1200 प्रेफरेंस शेयर्स एंड 15% डिबेंचर्स। द यूनिट सेल प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट आर ₹50 and ₹30। एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट इज ₹40,000। कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 40%। आराम से बैठे कैलकुलेट ऑपरेटिंग
फाइनेंशियल एंड ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट्स। आराम से देख लीजिए 17th में। पढ़ लिया बेटे, आओ करेंगे बेटे, करेंगे लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। आज की क्लास नंबर 4th यहाँ पे खत्म होगी और यकीन से कह सकता हूँ कि अगर आपने घर में जाकर बाकी होमवर्क कर लिया तो आपको बहुत कुछ समझ आने वाला है। आइए मेरे बेटे क्वेश्चन नंबर 17। सबसे पहले तो मैं इसका कैपिटल स्ट्रक्चर बना रहा हूं, तो मैं लिख रहा हूं स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर, स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर। बेटे कैपिटल स्ट्रक्चर बनाएंगे। बेटे मुझको 5,00,000 रुपए चाहिए, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं इक्विटी शेयर कैपिटल 2,000 इंटू 100। बेटे 2,00,000 आ गया। बेटे 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बेटे 1,200 शेयर इंटू 100, 1,20,000 आ गया। और बेटे 15% डिबेंचर्स, बैलेंस बेटे 15% डिबेंचर्स है, टोटल तो हमें पता ही है, टोटल है बेटे 5,00,000 रुपए, 5,00,000 माइनस 2,00,000 माइनस 1,20,000 बेटे 1,80,000 के डिबेंचर्स इशू किए आराम से। बेटे स्ट्रक्चर क्यों बनाया, क्योंकि फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट निकालने में आपको आसानी होगी। बेटे प्रेफरेंस डिविडेंड और डिबेंचर्स पे ही फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट होती है, और बेटे प्रेफरेंस शेयर्स की जो फिक्स कॉस्ट है वो ग्रॉस अप करते हैं, सब पता ही है आपको। चलिए जी शुरू करते हैं, क्वेश्चन देखिए क्या है। तो मैं लिख रहा हूं जी स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स इज इक्वल टू ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। आराम से बेटे, आराम से बेटे 40,000 रुपए दी हुई है अपॉन बेटे 20, बेटे 2,000 यूनिट्स इन केस 2,000 यूनिट्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, देन ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट कैन बी अचीव्ड। तो हम ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट अचीव कर सकते हैं बेटे आराम से, देख लीजिए आप। अब मैं आ रहा हूं फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। बेटे फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट पॉइंट वेयर ईबीआईटी इज इक्वल टू फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट।
जहां पर EBIT फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट के बराबर होगी, दैट इज डिबेंचर इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन वन माइनस टैक्स। बेटे ये तो फॉर्मूला है, आप देखिए ध्यान से बेटे, डिबेंचर इंटरेस्ट 15% बेटे, 180,000 का 27,000 रुपए ये आपके सामने आ गया, तो मैंने यहां लिख दिया जी 27,000 रुपीस प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड 12,000। बेटे याद है प्रेफरेंस डिविडेंड को ग्रॉस अप करना बहुत जरूरी है, तो प्लस 12,000 अपॉन वन माइनस 0.4। तो बेटे यहां पर सॉल्व कर दीजिए, 12,000 डिवाइडेड बाय 0.4 या गया बेटे 30 और प्लस 27 या गया बेटे 57,000 रुपीस आपके सामने आ गया। क्या चीज? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट या फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट इन केस ईबीआईटी इज इक्वल टू फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट, दैट इज 57,000 रुपीज, देन वी कैन अचीव फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। लिख लीजिए बेटे, आप भी याद करोगे। क्वेश्चन नंबर 17 का लास्ट पॉइंट करने आ रहे हैं और होमवर्क दूंगा और आज का कार्यक्रम खत्म। कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट प्लस फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। यह ऐसा समझ ले, कंबाइंड फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब बेटे कंबाइंड फिक्स कॉस्ट आराम से देख लीजिए मेरे बेटे, 40,000 प्लस फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट अभी निकाली थी 57,000 अपॉन बेटे 20, तो 40,000 प्लस 57,000 अपॉन 20 या गए बेटे 4,850 यूनिट्स, 4,850 यूनिट्स। आराम से लिख लीजिए, तो मैं लिख रहा हूं इन केस मैनेजमेंट सेल्स 4,850 यूनिट्स, देन कैन अचीव कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट, देन कैन अचीव कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट। आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है, आराम से देख लें, कोई जल्दी है ही नहीं बेटे। प्रिंटिंग में 4,350 लिख दिए, एक बार मैं चेक कर लूं। अच्छा बेटे यहां पर मैंने 47,000 लिखा था, गलती से 57 लिख दिया, तो 47 लिखेंगे तो फिर बिल्कुल ठीक आ जाएगा बेटे। ये 47 है मेरे बेटे, तो 4,350 है मेरे बेटे, 4,350 है बेटे, गलती थी थोड़ी सी बेटे, ये गलती बताती है कि मैं आंसर देख के नहीं, दिल से प्यार से दिल से दिल तक पहुंच रहा हूं, कैलकुलेटर से कर रहा हूं बेटे, ये देख लीजिए, ताकि आपको भी वही आदत पड़े और मैं जैसे पास हो बेटे, मैं भी चाहता हूं आप पास हो, दिल की बात बता रहा हूं आपको। चलिए जी, मैंने आज के लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट कर दिया,
मैं चाहता हूं कि आप सभी अब घर जाकर ईमानदारी से नाइन्थ क्वेश्चन जो हमने अभी तक नहीं किया, टेंथ तो कर लिया है, नाइन्थ, इलेवेंथ, ट्वेल्थ, थर्टींथ, फोर्टींथ, फिफ्टींथ, सिक्सटींथ बेटे, क्योंकि ये पूरा ब्लॉक ही खत्म हो जाएगा, फिर हम नया कंसेप्ट लिवरेजेस का शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप ये काम कर लें तो ईमानदारी से बता रहा हूँ हम काफी आगे चले जाएंगे लेक्चर नंबर पांच में। तो लेक्चर नंबर पांच के लिए आप सभी अपना होमवर्क लिख लें, मैं भी लिख रहा हूँ, नाइन्थ, नाइन्थ, इलेवेंथ, ट्वेल्थ से सिक्सटीन, ठीक है बेटे, लेक्चर नंबर पांच कंप्लीट हुआ और